अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा मेरा कैसे होंगे। और जी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि जी हंगरी के आपने वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें सैलरी नहीं बताई, अपने अकोमोडेशन के बारे में बताया और ना ही अल्बानिया के बारे में, सैलरी और कंपनी में काम कैसा होगा ये बताया। तो इन दोनों का मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बता देता हूँ। तकरीबन दोनों में तकरीबन सेम ही काम की सिचुएशन है, ठीक है, हंगरी में भी और जो है अल्बानिया उसमें भी, और पोलैंड में तकरीबन सेम ही रहता है, मतलब फैक्ट्रीज पर काम होता है। ठीक है, अल्बानिया जो है उसमें फूड फैक्ट्री में काम है, ठीक है, फूड फैक्ट्री में वहाँ पे फूड पैक होते हैं, अलग अलग मल्टीपल काम होते हैं वहाँ पे भी, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, सैलरी जो है वो 500 यूरो है तकरीबन, ठीक है, बनती है जो मंथली है आपकी, ठीक है, 8 घंटे ड्यूटी होती है और वीक में एक ऑफ होता है, ठीक है, और उसके बाद खाना एक टाइम कंपनी का होता है और हैश कंपनी की होती है। ठीक है, ये अल्बानिया के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो मतलब फैक्ट्री में काम है, उसके बाद तकरीबन 500 यूरो सैलरी है। सैलरी थोड़ी कम है, मतलब कम, कुछ बंदों ने जब जिनको पता चला उन्होंने कहा कि सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन जिन्होंने आना उनके लिए ठीक है, एक बेहतरीन स्टेप है फर्स्ट, ठीक है, अगर उन्होंने यूरोप में एंट्री होनी, तो 500 सैलरी बहुत है, हैश कंपनी की है, खाना एक टाइम कंपनी का है, ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी की है, ठीक है, और 8 घंटे ड्यूटी है, वीकली एक ऑफ है अल्बानिया के बारे में। और जो हंगरी है, हंगरी में तो थोड़े से जो दूसरी सैलरी है थोड़ी ज़्यादा है, तकरीबन 700 यूरो बनती है, ठीक है, उसके बाद रहायश कंपनी की है, खाना उसमें नहीं है, ठीक है, खाना आपका अपना, उसमें कार स्पेयर पार्ट कंपनी में काम है, उसके बाद उसमें एक फार्मिंग का काम भी है, ठीक है, और हंगरी में तकरीबन 3-4 कैटेगरी में काम अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन सहूलियात तकरीबन सेम ही है, कंपटीशन कंपनी की है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की है, ठीक है, उसके बाद सैलरी तकरीबन जो है वो तकरीबन 700 यूरो है, और वीक में एक ऑफ है और 8 घंटे ड्यूटी है, तो वहाँ पे ये सेम ही है। ठीक है, तो भैया आपको पता चल गया होगा कि हंगरी का मतलब सैलरी कितनी है और काम कैसा है, ये चीज़ें सारी, मतलब तकरीबन ये जो कंट्रीन में सेमिलर काम मिलता है बंदे को, ठीक है, और सैलरी भी तकरीबन सेम सेम ही है। अल्बानिया में थोड़ी सी कम है बनस्पत शेंगजन के, क्योंकि हंगरी शेंगजन में आता है, अगर आप हंगरी में आता है ना, किसी दूसरी कंट्री भी यूरोपियन में मूव होना आसान है, पोलैंड जो है वो भी शेंगजन में आता है, ठीक है, तो इसलिए इनकी सैलरी पोलैंड की और हंगरी की तकरीबन सेम ही है। सहूलियत तकरीबन यूरोपियन जितने भी कंट्रीज हैं इनकी तकरीबन सेम ही सहूलियात हैं, ठीक है। उसके बाद जो अल्बानिया है वो है तो यूरोपियन कंट्री, ठीक है, लेकिन वो शेंगजन में नहीं आती, ये जो अल्बानिया है, अल्बानिया ये ग्रीस के पास, अगर आप गूगल मैप में चेक करेंगे तो एशिया का बॉर्डर इसको लगता है और ग्रीस के बिल्कुल पास है अल्बानिया कंट्री, ठीक है। तो जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं इंडिया या दूसरे किसी कंट्री में हैं, तो अल्बानिया के लिए ये कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है ज़्यादा, इसका ई वीज़ा होता है और तकरीबन 3 मंथ में 2 मंथ ये प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो जाता है, ई वीज़ा आता है, बंदे के साथ में वर्क परमिट होता है, ठीक है, तो अल्बानिया का ये है। और कुछ लोग अल्बानिया कहते हैं जी एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देते हैं, उस चीज़ की गारंटी होती है कि एयरपोर्ट से डिपोर्ट नहीं होगा, बंदा कंपनी उसको स्पॉन्सर करती है, कंपनी का बंदा वहाँ से एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए भी आता है, ठीक है, और अल्बानिया का डॉक्यूमेंटेशन भी इतनी कोई हाई नहीं है, ठीक है, जितनी जैसे कि शेंगेन कंट्री की है, ठीक है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एक तो कुत्तों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, जब मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ कि रोड पर, वैसे कभी तो मैं पार्क में जाकर आता हूँ, लेकिन अभी मैं रोड पर जा रहा हूँ तो घर है आसपास, इसलिए आवाज़ आ रही है, देखना बड़े कुत्ते हैं, तो हर गाँव में यहाँ पे रखे हुए हैं लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उनको मैं प्रोसेस वैसे जितना भी मेरा होता है मैंने वीडियो में बता दिया होता है ऑलरेडी, वीडियो आप देख सकते हैं सारी, ठीक है, पोलैंड के बारे में, हंगरी के बारे में, दूसरी जितनी इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी मैंने वीडियो के अंदर बताई होती है। तो आप जितने भी नए जानने वाले हैं या दोस्त हैं या सब्सक्राइबर हैं वो वीडियोज़ देख लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाएगी इनसे, ठीक है।